हम में से ऐसे कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ डर की वजह से स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेते। डर कि कहीं पैसा ना डूब जाए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो। एक डर और भी है, डीमैट अकाउंट से जुड़ा हुआ। क्या डीमैट अकाउंट सेफ होते हैं? यकीन मानिए आप अकेले नहीं है, लगभग हर पोटेंशियल इन्वेस्टर के दिमाग में ये सवाल होता ही है। चलिए इस वीडियो में हम आपके इसी डर को दूर करते हैं। डीमैट अकाउंट कितना सेफ है और कितना नहीं, वो मेजर एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो ये कि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी कौन है जिसके साथ आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है। वैसे तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिटेल में बात की है, बट फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी डीपी वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि या तो NSDL या फिर CDSL जैसे शेयर डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ये बैंक्स हो सकते हैं या फिर अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स। इन डिपॉजिटरीज को फर्दर सपोर्ट एंड रेगुलेट करते हैं NSE और BSE, और इन सब के ऊपर होता है सेबी, जिसकी देखरेख में ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। सेबी की ये ओवरऑल विजिलेंस जरूरी भी है और इसके कई फायदे भी हैं। सेबी की निगरानी की वजह से फ्रॉड्स और स्कैम्स स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं, ट्रांजैक्शंस भी स्मूथ होते हैं। और क्या आपको पता है, सेबी की वजह से ही इन्वेस्टर को अब अपने स्टॉक ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि इन्वेस्टर्स को अपने बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस करवाने के लिए ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती थी, विच यूज टू गिव अ लॉट ऑफ पावर टू द स्टॉक ब्रोकर्स व्हेन इट केम टू इन्वेस्टर्स अकाउंट सिक्योरिटीज एंड इवन इन्वेस्टमेंट्स। बट अब ऐसा नहीं है, अब पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह ले ली है DDPI यानी कि डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन में। DDPI एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ब्रोकर को अलाउ करता है कि वो क्लाइंट के डीमैट अकाउंट से सिक्योरिटीज डेबिट करके एक्सचेंज को डिलीवर कर सके बिना किसी एडिशनल पावर ट्रांसफर के। POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के अब मैंडेटरी ना होने की वजह से अकाउंट होल्डर का अपने अकाउंट और होल्डिंग्स पर पूरा कंट्रोल रहता है, इसीलिए इंडिया में डीमैट अकाउंट्स सेफ होते हैं। बट फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो हम आपको एक चेकलिस्ट देते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने डीमैट अकाउंट को और भी सिक्योर बना सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपने डीपी के पास अपडेटेड रखें, चाहे वो NSDL हो या फिर CDSL। डिपॉजिटरी की तरफ से आने वाले ईमेल्स और SMS अलर्ट्स को रेगुलरली चेक करें। अपने ब्रोकर से मिलने वाले होल्डिंग स्टेटमेंट्स पर भी नजर बनाए रखें। अपने लॉगिन और पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए और अपने पासवर्ड चेंज करते रहिए। कुछ भी अबनॉर्मल दिखे तो तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रोवाइडर यानी कि NSDL या फिर CDSL को कॉन्टैक्ट कीजिए। अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है, फंड्स को तभी ट्रांसफर करें जब आपको स्टॉक्स खरीदना हो। अगर आप अपना अकाउंट कई दिनों तक यूज नहीं करने वाले हैं तो उसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इससे आपके अकाउंट से कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बट आपको डिविडेंड्स, बोनसेस, शेयर स्प्लिट्स एक्सेट्रा मिलते रहेंगे। बस थोड़ा सा कॉशन, थोड़ा प्रिकॉशन और फिर डर के आगे आपको तो पता ही है। अगर आप अपस्टॉक्स के साथ एक सेफ डीमैट अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा जहां आपको सभी जरूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।